राम राम मेरे भाइयों, मेरे भाइयों मिस्त्रियों, मैं आपको आज बताऊंगा कि लेवल पाइप का लेवल फित्ते से कैसे किया जाता है, तो वो मैं आपको आज दिखाऊंगा। जब आप नीचे का प्रश्न डालो तो लेवल पाइप से फित्ते की लेवल से कैसे किया जाता है, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये देखिए, मैंने इसमें थोड़ी सी ले डाली है ताकि आपको अच्छी तरह दिखाई दे और देखने में आपको क्लैरिटी दिखे। हेलो भाई साहब, देखिए ये वहाँ से यहाँ पानी बराबर है, तो मैं अब यहाँ चिन्ह मार देता हूँ, तो इस चिन्ह को अच्छी तरह से देख लेना। इस पानी को, ये पानी यहाँ है, तो मैंने यहाँ ये चिन्ह लगा दिया है, तो आप इसे चिन्ह को देख लेना, ठीक है। देखिए वहाँ पानी बराबर है और मैंने यहाँ चिन्ह लगा देना है, ये बराबर चिन्ह मैंने यहाँ लगा दिया है। हाँ भाई साहब, पानी बताओ, पानी बराबर है? हाँ, तो भाई साहब ये देख लीजिए, मैंने इस तीसरे कोने पे चिन्ह का निशान है यहाँ पे दे दिया है, तो ये देख लीजिए ये बराबर है। और अभी मैं चौथे कोने को चिन्ह का निशान मार, ये चौथा कोना है, तो मैं यहाँ चिन्ह मार देता हूँ। तो अभी मैं आपको फित्ते से बताऊंगा कि कैसे फित्ते का लेवल कैसे किया जाता है, तो आप अभी देखना। मैंने लेयर का निशान चारों कोनों पे मार दिया है, अभी मैं फित्ते से इसका आपको बताऊंगा कि आप कितने आगे डाल देना चाहते हो, 1 इंच का, आधे इंच का, तो वो आप फित्ते से कर सकते हो। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, तो आप देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। ये फित्ता अब ले लिया है, तो मैं इस फित्ते से आपको दिखाता हूँ कि कैसे पर्स का लेवल सही किया जाता है, तो वो आप देख लेना। अब आपको ये 4 इंच लेनी है, तो ये लेवल के लिए बहुत जरूरी है, जो इससे पता चलेगा। तो मैं अभी इंट यहाँ रख देता हूँ, तो आप इसे वो देख लीजिए। और अभी मैं इसके फित्ता लगाता हूँ, यहाँ कितना है वो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे भाई साहब 2 फुट का है, ठीक है, यहाँ से आप देख लीजिए 2 फुट का है। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। तो अब मैं दूसरी ईंट ले चुका हूँ, तो आपको मैं दिखाता हूँ। इस तरह धर लिए, तो देखिए भाई साहब ये 2 फुट का है, ये तो बराबर हो गया, तो इसलिए हमें करना है इसे 11 इंच, तो 11 इंच हमने कर दिया इस ईंट को। तो आप देख लीजिए ये 1 इंच का डाल यहाँ हो चुका है, तो 1 इंच का डाल देना जरूरी होता है, वो भी सही नहीं आएगी। अगर जो आपको टैल लगानी है तो डाल नहीं देना है, 0 लेवल डालना है, कहीं पे डाल मत देना, जैसे वहां 2 फुट है तो यहाँ 2 फुट करना, तो आपकी टैल तो किस आएगी। जैसे सिमकेट करना है तो ये बस सिमकेट करना है, तो 1 इंच की डाल देनी होगी, तो इसलिए मैं तीसरे कोने पे जाता हूँ, तो आप देख लेना। ये ईंट मैंने यहां रख दी है, वो 11 इंच का था, ये मैं थोड़ा सा और ऊंचा करूंगा जितना कि यहां से पानी वहां उठ जाए, ये मैं 10.5 का करूंगा, तो आप देख लेना। ये मैंने 10.5 इंच का कर दिया है, यानी 0.5 इंच ये कोंट ऊंची हो गई है भाई साहब, ये देख लीजिए, वहां 11 था, यहाँ 10.5 इंच, इस कोंट से 0.5 इंच ये कोंट ऊंची है, तो
तो आपका पानी बिल्कुल सही जाएगा। अब मैं चलता हूँ चौथी पुल पे। ये चौथी पुल पे आपको लेनी है भाई साहब 10 इंच, 10 इंच इस चौथी पुल को आपको लेना है। तो अब ये देखिए मैंने ईंट यहाँ धर दी है और आप देख रहे हैं जी, ये ईंट मैंने ऊंची कर दी है, ये 10 इंच है भाई साहब, ये देखिए। तो शुरू के आप कूट करोगे, जब बालों की कूट के लेयर कर दिया आपने तो जब शुरू में ईंट धरोगे तो वो 11 इंच करना, उसके सीध में चलोगे तो 10.5 इंच करना, जब यहां बारने की सीध में आओगे आप तो उसे 10 इंच करना, ताकि आपका बस कभी नष्ट नहीं होगा, बिल्कुल बढ़िया तरह अच्छी तरह आपका बस डाले जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो धन्यवाद, थैंक यू, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आगे आगे बहुत है आपको बढ़िया बढ़िया काम दिखाऊंगा। ये बस सिंकेट करना है तो 1 इंच की ढाल देनी होगी, तो इसलिए मैं तीसरे कोने पे जाता हूँ। तो आप देख लेना ये ईंट मैंने यहाँ रख दी है, वो 11 इंच का था, ये मैं थोड़ा सा और ऊंचा करूंगा ताकि यहां से पानी वहां उठ जाए, ये मैं 10.5 का करूंगा। तो आप देख लेना ये मैंने 10.5 इंच का कर दिया है, यानी 0.5 इंच ये कूट ऊंची हो गई है भाई साहब, ये देख लीजिए, वहां 11 था यहां 10.5 इंच, इस कूट से 0.5 इंच ये कूट ऊंची है। तो आपका पानी बिल्कुल सही जाएगा। अब मैं चलता हूँ चौथी कूट पे। ये चौथी कूट आपको लेनी है भाई साहब 10 इंच, 10 इंच इस चौथी कूट को आपको लेना है। तो अब ये देखिए मैंने ईंट यहाँ धर दी है और आप देख रहे हैं, ये ईंट मैंने ऊंची कर दी है, ये 10 इंच है भाई साहब, ये देखिए। तो शुरू के आप कूट करोगे, जब बालों की कूट के लेयर कर दिया आपने तो जब शुरू में ईंट धरोगे तो वो 11 इंच करना, उसके सीध में चलोगे तो 10.5 इंच करना, जब यहां बारने की सीध में आओगे आप तो उसे 10 इंच करना, ताकि आपका बस कभी नष्ट नहीं होगा, बिल्कुल बढ़िया तरह अच्छी तरह आपका बस डाले जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो धन्यवाद, थैंक यू, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आगे आगे बहुत है आपको बढ़िया बढ़िया काम दिखाऊंगा। और ये मैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद मेरे भाई।